लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये है राम सिंह का घर। तारा और सितारा को पुलिस और कोबरा से बचने के लिए इससे अच्छा ठिकाना और कहां मिलता। वैसे तो हर घर में घुसना तारा और सितारा के लिए बहुत आसान बात थी। चलिए देखते हैं राम सिंह के घर में घुसने के लिए अब ये कौन सा नया गुल खिलाते हैं। सौ का नोट। हे भगवान, हाथ की खुजली ही मिटानी थी तो 500 का नोट दे देता। 500 का नोट आज किसका मुंह देख के उठाता सवेरे सवेरे। हे भगवान, अगर इतने मेहरबान हो तो नोटों से खचाखच भरा पर्स दे दो, मजा ही आ जाए। नोटों से भरा पर्स, मैं पागल हो गया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। कमीने, कुत्ते, आज तेरी खुजली हम मिटाएंगे। ओए यार, सड़क के पर मारा पार्स वार्स क्या पड़ा हुआ था, तूने चोरी चोरी कर ली? नहीं नहीं नहीं, हम चोरी नहीं कर दे, अब पड़ा हुआ था। ओए पड़ा हुआ नहीं था, हमने हिफाजत से रखा हुआ था सड़क के ऊपर। पापा जी, इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। मैं क्या, चल पुलिस स्टेशन। चलो चल। साहब नहीं साहब, हमको पुलिस स्टेशन मत ले चलिए साहब। क्यों है? हम बहुत गरीब आदमी है, मेरी एक माँ, दो भाई, तीन बहने हैं, तीनों की शादी करनी है। ऐसा करिए साहब, दो के साथ आप शादी कर लीजिए, तीसरी के लिए मैं आपसे अच्छा ढूंढ लूंगा। होते के बच्चे, तुझे हम जैसे नोबल क्लार्क केबल मिलेंगे। ओ इसकी पर्सनालिटी देख, देख उसकी पर्सनालिटी, इधर देख मेरी शक्ल देख, हैं देख रहा है, समझ रहा है? और गल सुन पाजी, तुसी छोड़ो। ओ पुत्र, असी तेरे बहना नाल शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी शादी के लिए हेल्प करेंगे। किस तरह से हेल्प? ले हड़ 100 रुपया में हेल्प। और नहीं तू ज्यादा ले ले, तेरा कोटा बड़ा लग रहा है। और सुन जी, ओए बंदे गिन मत। और सुन बताई कि इसके बदले में तुझे हमारी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। कैसी मदद? ओ बड़े पाजी ने पूछ, छोटे नु पूछ, ओ सितारा जी ने पूछो है, तारे नु पूछ, ओ सितारा जी ने पूछा है, ओ तारे नु पूछ यार। भाई काहे परेशान कर रहे हैं? ओए तो पूछ रहे हैं कि डांट रहे हैं? नहीं हा? बता दीजिए ना। माजी माजी, ये देखिए आपका मंगलसूत्र, ये देखिए। अरे ये तेरे पास कैसे आया? चोर चुरा कर भाग रहा था। हे भगवान, एक ही तो उनकी आखिरी निशानी है जिसे मैं रोज देखती हूँ। अच्छा बता छोटू, तूने चोर को पकड़ लिया? हमने नहीं पकड़ा, ये दो शरीफ लोग, तारा जी और सितारा जी, इन्होंने चोर को पकड़ा है। जुल्म सितारों का आंगन होगा। भाई सितारा, वही आंगन थे, वही नजारा, कोई जरा भी नहीं बदला। कार हमारा, वही कार, वही खिड़कियां, वही दरवाजे और पर्दे भी हैं जी। आप पहले भी इस घर में आ चुके हैं? आ चुके, असी तो पैदा ही इत्थे हुए सी। है जी, है जी। साडा मुंडन ते नामकरण इत्थे हुआ सी। ओ जी, मैं तारा ते मैं सितारा। उस वक्त साडे प्यो दे सितारे गर्दिश सी। हाँ जी हाँ जी, इसलिए उनको ये मकान बेचना पड़ा। और उसके बाद से आज तलक हम दोनों भ्राओं को अपनी माँ ते प्यो की बड़ी याद आती है। ना ना बेटा, सबर से काम लो। माँ भी ऐसी करती थी। होल्ड करी यार, होल्ड। बाजी, ओए, हाँ जी, ना तारे, ना। वाह, वाह। की बताऊँ, माँ जी, ओ याद आ गई जी, बड़ी याद आ गई। तुसी ग्रेट हो माता जी। बाजी बच्चा। ओ ये बच्चा है? ये बच्चा नहीं है, ये बड़ा बच्चा है। ओ माय गॉड, भाई तारे, तेनु याद है बचपन में मैं इसी तरह चॉकलेट लेके आया करता था? और मैं छीन लेंदा सी। और मैं तेरे से छीन लेंदा सी। बाजी, हाँ जी, आपको पता है मुझे भी ऐसे छीन के खाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, और तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा भाई। जिंदे रहे पुत्र। पाजी, भाभी, माँ, पाजी मिल गया, पाजी मिल गया, पाजी मिल गया। कमरा नहीं पाजी, मेरा बेडरूम, मेरा बेडरूम मिल गया पाजी। ओए होल्ड यार, पाजी वही रंग ते वही टांग है। ओए होश में आ यार। ओए होश में तो हो पाजी, ओए होश में तो बोल रहा हूँ पाजी। ओए आज इस घर को देख के मैं बड़ा इमोशनल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया पाजी, मैं पागल हो गया। हाँ जी, अगर तुझे इस घर से इतना लगाव है तो सामने वाले होटल में रह के वहाँ बैठ के देखते रहना इस घर को यार।
होटल में रहना पड़ेगा। हाँ जी आज। अरे तो बेटे कुछ दिन यही रह जाओ ना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। माता ही। ओए तारे ना ना। नहीं मैं उठ नहीं सकता ना, तो मैं पांव छुरिया सी। अच्छा बोल भाई तारे। यार कुछ याद आया? उनकी यार। ओ यार इनकी शक्ल ते पर्सनालिटी ओ जवानी में जैसे साडे डैडी लगदे सी। हाँ यार। नहीं वही मुछे। हाँ। वही लंबा कद। हाँ। वही रुबाबदार चेहरा। हाँ। कोई फर्क ही नहीं है यार। हाँ। कौन है ये लोग? ये मकान पहले इन्हीं का था, कुछ दिनों के लिए आए हैं तो हमने कहा यहीं रह जाओ। मैं किसी भी अजनबी को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देता। चलो गए। हाय चले। व्हाट डू यू फील? नो आई फील पाजी, जब ये गाड़ी साड़ा नहीं है तो यहाँ के लोग साड़े कैसे हो सकते हैं? अच्छा। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे है? यहीं रहोगे। बेटा तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने मेरा कितना बड़ा काम किया है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। फौजी है ना, किसी पे जल्दी विश्वास ही नहीं करता। अरे छोटू। जी माँ जी। इन दोनों का सामान आउट हाउस में रख। जी माँ जी। लाइए सितारा जी सामान। माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। सामान दे दीजिए। उसको नहीं देखा हमने कभी। राम सिंह जी मैं गड्डी चला लूंगा। कोई नहीं। और छोटू जी तो सामान शुमान चप्पल चप्पल लेकर अंदर क्यों कूद गया? मैंने बुलाया से। आपने? हैं जी। वो हम लोग आउट हाउस में ठीक थे, अंदर क्यों घुसा रहे हो घर में? ना तो घर में रह रहा है ना तो आउट हाउस में। ये जज्बाती बातें करके तू मेरी फैमिली के दिल में घुस सकता है, मेरे नहीं। अच्छा एक मिनट, वो सितारा जी बाहर मिलेंगे तो सही? ओ सितारा प्रा थोड़ा गेट पर इंतजार कर रहा है। अच्छा उनको पहले ही घर से निकाल दिया? अच्छा आजा छोटू। यार ऐसे नहीं लगता है कि बड़ी इज्जत से बेइज्जती हुई है? जी हैं हैं मुझे भी लग रहा है। पाजी तू भी आ गया? पाजी मैंने बड़ा इमोशन में भजन गाया पर राम सिंह मेरे आटे में नहीं आया। बड़ा शातिर बंदा है। मैंने तो सुना है कि आपको कपड़े भी नहीं बदलने देते। तू कपड़े दी बात करता है, उन्होंने तो मुझे बाथरूम भी नहीं जाने दिया यार। ओ यार सुनो, ओ मेरे बड़े पाजी के लिए डब्बा लेके आया। चुप यार, तेनू पता है जब मेरा दिमाग घूम जाता है ते मैं घुमा घुमा के बंदे नू मारदा। पाजी आज तो मेरा भी दिमाग बड़ा घुमा हुआ है। पर यार राम सिंह पे गुस्सा तो नहीं उतार सकते ना? फिर कैसे रहेगा? नहीं साहब हम बहुत गरीब आदमी, हमारी एक माँ दो भाई तीन बहन है, तीनों की शादी करी। तीनों बहनों से मैं कल्ला शादी करता हूँ। ओए लुक तो ये दोनों फ्रीलांसिंग हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से। एक बात बताइए साहब, आप लोग तो ये बंगला खरीदने आए थे, आप तो यहीं पर डेरा जमा लिए। हम दोनों प्राव का क्या है ना, हम लोग मार्केट से जूते भी खरीदते हैं ना तो उसको भी ठोक बजा के देख लेते हैं, पता नहीं कब चलाने के काम आ जाए। है जी एक बात बोलूं साहब, आप जब भी ये बंगला खरीदिएगा नौकर हमको ही रखिएगा। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहने हैं और उनकी शादी भी करनी होगी। जी साहब बंगले पे निगाह। ओए गाल सुन जी, नाश्ते का बंदोबस्त करी यार। जी साहब उन्हें की है यार। साहब आप भूलेंगे तो नहीं? अरे नहीं भूलेंगे यार। साहब मैं अरे मालूम है यार, तेरी तीन माँ है, 3,000 भाई है, 3.5 लाख बहन है। नहीं एक माँ। अरे चले यार, माँ बहन कर रहा है दिमाग की बात। नहीं बात कर रहा है, गल कर रहा है। इतना बड़ा डंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। जब वो लट्ठे जिसने टनों के हिसाब से तेल पिया है और दर्जनों का तेल निकाल दिया है, इसके पड़ते ही तारा जी की टांगे अपने। पाजी सुहारे ने संभालो, ये पागल बंदा है। वो बंदा भी नहीं है, बंदर बंदर। लट्ठे बादशाह पीछे देखे मार खाए। लट्ठे बचा लो भाई। ओके होल्ड यार प्लीज। रामकोल बदमाश, ओए कमीने मेरा इलाज कर रहा है।
अरे हमको क्यों मार रहे, हम तो आपका इलाज कर रहे थे। ओ, हम भी आपका इलाज ही कर रहे हैं पाजी। है जी, गिव हिम ए बनाना। या दैट विल गिव हिम सम एक्स्ट्रा एनर्जी। ले फाड़। इनका इलाज कोई नहीं कर सकता। चुप बांदर, ऐसा नहीं बोलते। इलाज तो होगा मगर प्यार से। है जी। मैं क्या पिंकी जी? ओ सितारा जी, बैठिए, कैसे हैं आप? बल्ले बल्ले। ओए मैं क्या, तुसी इन्नी मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबा नाल की कर दे पाए हो? वो मैं ना तारा जी के लिए नया इलाज ढूंढ रही थी। तारे लिए नया इलाज? हाँ। What do you mean? अरे वो चल फिर नहीं सकते ना, इसलिए तो मैं ऐसा इलाज ढूंढ रही थी जिससे वो चल फिर सके। ओए मेरी गल सुनो। हाँ? तारा बेचारा प्यार दा भुक्का है। ओ। वो मारपीट नाल कभी ठीक नहीं हो सकता। एक्चुअली तो फिर मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताइए ना प्लीज। लेट मी थिंक। तारे दे अंदर एक गर्मी पैदा करो। हाँ। उदे जिस्म में एक अग पैदा करो। हाँ। ताकि वो अग नाल ना उदा जिस्म जले, ते वो जलन नाल इत्थे भागे उत्थे भागे, चीखे चिल्लाए जंप मारे। मैं क्या, तुसी समझ गए ना? लीजिए चाय। छोटे बात तो बता। हाँ। ये आग और जलन कैसे पैदा करते हैं? पेट्रोल से। हाँ? हाँ हाँ, पेट्रोल में आग लगाइए, उस आग से जो जलन पैदा होगी उससे वो गाड़ी के इंजन की तरह भक 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 इधर से उधर दौड़ने लगेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक्स। अरे हाँ, इसी को तो शॉक थेरेपी कहते हैं। आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ मेगा बहुत ज्यादा ही बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है। ले ले फड़फड़े पकड़ ले। आज मौसम। ओए ना गाने के लिए दिए यार, मत गाना इतना। ओए पिंकी जी, पिंकी जी मेरे इर्द गिर्द झाड़ू, इतना पानी क्यों दे रही हो? अरे ये पानी नहीं पेट्रोल है। ओए लेकिन मेरी गड्डी तो हाथों से चल जाती है, पेट्रोल की लोड है? अरे तारा जी, ये आपकी गाड़ी चलाने के लिए नहीं, आपको चलाने के लिए है। मेरे को इसे चलाने शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी? बहन दे टके, रोज रोज मेरे लिए नई थेरेपी ले आते हैं, पता नहीं अब क्या करेगी, आग तो नहीं लगाएगी? बराबर बराबर गिरे। ओ काली काली घटा चल रही है, ओए मैं क्या, हर कली मुझ पे शक कर रही है। ओए फूलो काटो विच्ची, ओए मेरी जान कुटिया, मैं क्या कितने सारे काटे। ओह तारा जी, ये क्या, इलाज होने से पहले ही आप भाग निकले। अरे मैं कैसे समझाऊं, व्हील चेयर पे बैठो फिर समझाता हूँ। वो क्या है ना कि ये इतने ऊंचे ऊंचे श्रेणी के आइडिया आप लाते कहाँ से हो? दत, वो आइडिया मेरा थोड़ा था। तो फिर किसका था? आपके बड़े भाई सितारा का था। ओ, हो, 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 हो। तो इस नजारे के पीछे का नजारा सितारा है। हाँ। नजर ना लगे, कितने वो नजरुद्दीन ने किधर है? अरे तारा जी तो टंगिया टेंक दिया, ठूंठते से खड़े हो गए। तू देखने दीजिए ना हमको। तेरे तू खड़ा हो गया, पागल सुनी हो गया यार। आ? है? ये मैंने क्या किया तारा जी? मैं खड़ा हो गया तारा जी? हाँ? हो, अब दोनों पैरों पे खड़े आप ठीक हो गए। मैंने आपका इलाज कर दिया, तारा जी का इलाज कर दिया, ये इलाज कर दिया। अरे हाथ तो मिलाइए, तारा जी ठीक हो गए। ठीक नहीं है यार, आप लोग गंदे हो गए लगता है। साहब जी तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, मुबारक हो मुबारक हो। साहब जी आपकी तो भगवान ने सुन ली, आप मेरी सुन लो, हम बहुत गरीब आदमी, मेरी एक माँ दो भाई तीन बहने हैं। माँ की शादी करवानी है, बहनों को नौकरी दिलानी है, भाइयों के हाथ में मेहंदी लगानी है। माँ की शादी नहीं करनी है। मैं देख लूंगा ना, तुम आप क्या देख लोगे, माँ की शादी करनी है। अरे सुनो रे मैम साहब, मैम साहब
मैम साहब सुनिए ना, हम बहुत गरीब आदमी है, हमारी एक माँ दो भाई तीन बहने तीनों की शादी करनी है। हमारी दो बहनों के लिए तारा जी और सितारा जी कैसे रहेंगे? बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। का है, का खराबी है उनमा? चल जाना यहाँ से, कोई और लड़के ढूंढ। घर से बाहर निकलू तब ढूंढू ना, घर से बाहर निकलने नहीं देते, घर में आने वाला करने नहीं देते, अपना पूत पुतंगड़ दूसरे को। वैसे प्रीति तूने ऐसे क्यों बोला? और नहीं तो क्या, मेरी सितारे से अपनी बहनों की शादी की बात कर रहा था। उसकी पर्सनालिटी देखी तुमने, कितना हैंडसम है। छोटू, और तू सवेरे सवेरे इधर क्या करने आ गया? अरे यही तो हमें आपसे पूछना चाहिए थे, आप आउट हाउस की बजाय यहाँ क्यों सो रहे थे? ओए बेवकूफ, हम लोग जो है ना मेहमान है, मेहमान कहीं भी मंजी डाल सकते हैं, तू इधर की कर रहा है? अरे राम सिंह साहब फोरन बॉर्डर की चौकी की चेकिंग के लिए जा रहे हैं दो तीन दिन के लिए, उसके लिए गाड़ी साफ करने आए थे। मेहमान बन के कहीं अरे छोटू तू जी, आज मामा जी को भी साथ ले आए? वो मामा जी को रेजिमेंट देखना था ना, उसके लिए लेके आए। हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए, जाइए मामा जी, जाइए। चलिए मामा जी, आइए 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 ना, आइए आइए मामा जी। देखा छोटू का कमाल? मानते हूँ कुछ, अरे हम तो कहते हैं अपना रुतबा राम सिंह साहब से कम नहीं है। अगर आप वहाँ अकेले आते ना तो आपको गेट से ही बाहर भगा देते, अंदर नहीं आने देते, चाहे आप तारा जी सितारा जी के मामा। सही कहा तुमने छोटू, कमाल है। नमस्ते छोटू, बहुत इज्जत करते हैं सब अपनी। कोई चिंता वाली बात नहीं, जब तक आप मेरे साथ हो कुछ नहीं हो सकता। आप तो बस पीछे पीछे मेरे चले आओ, आंख मीच के इधर उधर मुड़ना नहीं, नहीं तो गोली में मार देते हैं। सीधा जाओ किसी को गोली मार देने का ऑर्डर है। वैसे मेजर साहब, यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या बात है? यहाँ पर एक खतरनाक मुजरिम कैद है। पैंथर? क्या आपने कहा पैंथर? अरे ये तो वही खतरनाक मुजरिम है जिसके भाई को मेरे भांजो ने मारा है। अरे मेजर साहब, उसने तो धमकी दी है कि वो जेल से बाहर निकलेगा और मेरे भांजो को मार डालेगा। प्लीज फिकर मत करो मामा जी, फिकर मत करो, वो यहाँ से कभी भाग ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी तो मजबूत है ही। हा? मगर वो जिस सेल में बंद है, हा? उसकी चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, मेरे घर में, मेरी अलमारी में। सो डोंट वरी। पकड़े गए ना मामा जी? क्या मतलब? हम सब जानते हैं कि आप इस वक्त दबे पांव किस इरादे से जा रहे हैं। किस इरादे से? चोरी के। चोरी के? हाँ, घबरा गए ना? लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहां आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कहाँ जा रहा हूँ? किचन में। आपको भूख लगी है ना? किचन में? हाँ, आपको भूख लगी है ना? भूख लगी है। हम अभी खाना बना के लाते हैं। लोग सो रहे हैं, हम खाना बना के लाए आपके लिए। भूख मर गई, मर गई। तू जा, तू जा, तू जा। डैड, मॉम, डैड। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी पापा सो रहे हैं, उन्हें सोने दो ना। मुझे कल जल्दी स्कूल जाना है, और अगर इनसे फीस लेकर नहीं गया ना तो मेरी टीचर मुझे मार डालेगी। अरे तो मम्मी की परस से निकाल लो ना, लेकिन उन्हें सोने दो। तुम भी भैया।
अफसोस इस बात का है कि वो तो दुश्मन हमारे घर में रहकर मेरी नजरों से बच गए। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, नहीं, कसूरवार हम हैं साहब हम। नहीं छोटो, उन दोनों ने यहाँ आने से पहले हमको अपने जाल में फंसाकर इस घर की सारी जानकारी ले ली। इस गुनाह की यही सजा है साहब, हमको गोली मार दीजिए। नहीं छोटो, हमको मार दीजिए। छोटो, मैं उन दोनों को मारूंगा जिन्होंने हम सबको धोखा दिया है। हरामखोर, आल के लिए। गोली तो नहीं लगी? मैं भी ठीक हूं। तो फिर किसको लगी? तेरे पाजी। हाँ जी पाजी। असि इन साडा सिचुएशन एक्सप्लेन करने आए सी। हाँ जी। ए तो बोलने से पहले साडे होते यार। चलो कुड यू एक्सप्लेन। ओ पाजी, पाजी मैनू लगता है कि हमारी जिंदगी में जब बार बार ये ऊंच नीच होता है ना पाजी, मैनू लगता है पाजी। राम सिंह जी, ओए ओए, गोली चलाने से पहले साड़ी बोली तो सुन लियो। कुछ नहीं सुनना। एक मिनट, कोई लगा रहा नहीं तो गोली चला दूंगा मैं। माता जी इधर जाओ। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, जाओ शराफत से आ जाओ। रिक्वेस्ट जी, रिक्वेस्ट। पाजी तुम पीछे चले आओ। हाँ हाँ पाजी। यू आर हर्टिंग मी यार। व्हाई? तुम मैनू किडनैप कर रहा है यार। पाजी रात भी सो मैं कभी आपको कोई लगा नहीं तो गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा ओल्ड लेडी नु। डैड, दादी को बचाओ। सबर कर बेटा। ओए मोटे, तेरी दादी नो तेरा प्यो भी नहीं बचा सकता। और प्यो दा मतलब समझता है? फादर। डैड को कुछ मत बोलना। सबर रख। साहब जी, कसम भगवान की मर जाऊंगा लेकिन आप पर आज नहीं आने दूंगा। चुप कर। आज नहीं आने देगा? ओए तेरी एक माँ, दो परात, तीन भैन है, उनकी शादी किए बगैर मर जाना चाहता है? माँ की शादी नहीं। की शादी? अबे साले, भैने कुवारी रह जाएंगी साले, और मैं देखता हूँ कि माँ की शादी कैसे नहीं करेगा तू। कोई चलाकी नहीं चलेगी और होशियारी भी। ओए माता जी नहीं, मैं कोई चलाकी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम कहोगे वो करूंगा।